आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थाना सिकंदरा क्षेत्र में युवक की सुसाइड प्रकरण में पीड़ित परिवार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर एसएसपी से मुलाकात कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसएसपी ने बात सुन कार्रवाई का आश्वासन दिया है। थाना सिकंदरा मांगरौल गुजर के युवक द्वारा की गई सुसाइड मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर युवक के पिता भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। इस प्रकरण में सुनवाई न होने पर हुई पंचायत में सोमवार को कलेक्ट्रेट घेरने का ऐलान किया था। इस संबंध में पीड़ित पक्ष के साथ ग्रामीण एसएसपी सुधीर कुमार सिंह से मिले। एसएसपी ने जांच करा कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक नवयुवक ने आत्महत्या की थी और उसके संबंध में एक 306 आईपीसी का मुकदमा थाना सिकंदरा में दर्ज किया गया था। उससे संबंधित एक अभियुक्त को जेल भी भेजा जा चुका है और उसमें एक उपनिरीक्षक का भी नाम था। आज परिजनों ने जो उपनिरीक्षक जिनका नाम है तत्कालीन चौकी इंचार्ज थे उनके संबंध में कुछ और लोग भी शिकायत लेके आए थे और उनके द्वारा बताया गया था कि इन्होंने कुछ विवेचनाओं में कुछ गड़बड़ियाँ की हैं। उनका आज मैंने संज्ञान लिया है और शाम तक जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस पर आज दिन में जांच की जाएगी उन सभी मैटर्स की और शाम को उस पर कार्रवाई की जाएगी। मांगरौल गुजर के रहने वाले कृष्ण मुरारी का परिवार के लोगों से झगड़ा हुआ था। इस मामले में रुनकता चौकी इंचार्ज ने कृष्ण मुरारी और उसके पिता देवेंद्र पर मारपीट और गुंडा एक्ट में कार्रवाई कर दी। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने समझौते के नाम पर पैसे लेने के बाद भी कार्रवाई कर दी थी। इससे परेशान होकर युवक ने 1 नवम्बर को सुसाइड कर लिया था। देखिए, अभी मेरी बात हुई है, सब लोग उसी सिलसिले में आए थे और मैं जो उनसे वार्ता हुई है उससे सभी लोग संतुष्ट हैं। अभी एएसपी साहब मौके पर जा रहे हैं, वार्ता करेंगे और जहां तक मेरा मानना है ये लोग संतुष्ट होके गए हैं और आज वो अपना जो हड़ताल है वो उसे खत्म करेंगे। 1 नवंबर को आत्महत्या की थी और 1 नवंबर से आज 15 तारीख हो गई है। जांच चल रही है केशव जी के खिलाफ, अभी तो जांच ही पूरी नहीं हो गई, ऐसे क्या जांच चल रही है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। केशव लगातार अभी अपना जो कर्तव्य है उससे फरार है और उसमें बहुत सारे साक्ष्य आज उन्होंने हमें साक्ष्य दिए हैं, कुछ कागजात लेके आए थे, उन साक्ष्यों को शामिल किया जाएगा और तब उसमें कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड करने से पूर्व युवक ने वीडियो बनाई जिसमें परिजनों के साथ पुलिस को दोषी ठहराया गया। युवक की मौत के बाद पुलिस ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को जेल भेज इतिश्री कर ली थी। पीड़ित परिवार दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।